पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ गई है। वहीं बिहार में भी आर्थिक गतिविधि पर कोरोना की वजह से काफी असर पड़ा है, लेकिन बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रस्तावों पर कोरोना महामारी का कोई असर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मौजूदा एनडीए सरकार के गठन के बाद से अब तक बिहार में उद्योग लगाने के लिए 6,199 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जून के अंत तक बिहार में 10,000 करोड़ से अधिक निवेश लाने का दावा किया है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन, ऑक्सीजन उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक और रबर जैसे विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग सभी जिलों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिलों में सबसे अधिक 1,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है, यानी इन दो जिलों को मिलाकर ही 2,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प पूरा होकर रहेगा। बिहार में उद्योग लगाने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं की कमी नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने कहा, अभी तक विभिन्न उद्योगों के लिए कुल 6,199 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और जून के आखिर तक करीब 2,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव और आ सकता है, क्योंकि 30 जून तक इथेनॉल पॉलिसी के तहत आवेदन आना है। शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लाई गई इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति और ऑक्सीजन उत्पादन नीति को लेकर निवेशकों में रुझान जबरदस्त है और देश की नामी कंपनियों ने बिहार में निवेश की इच्छा जाहिर की है। बता दें कि एनडीए सरकार ने चुनाव में बिहार के औद्योगिक विकास का वादा किया और आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया था। इसे लेकर बिहार की एनडीए सरकार मिशन मोड पर है और सरकार की प्राथमिकता राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य को बड़े पैमाने पर मिल रहे निवेश प्रस्ताव से साफ है कि बिहार में औद्योगिक विकास की अच्छी जमीन तैयार हो चुकी है और जल्द इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा।